प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। आज बिहार में जो था तीसरे चरण का मतदान था, तो बिहार की हम आपको तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार के हेडलाइंस। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुआ तीसरे चरण का मतदान, तकरीबन 60% हुई वोटिंग। तीसरे चरण के मतदान के दौरान खगड़िया और मधुबनी में हंगामा, अररिया में लाठी चार्ज। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के पलटवार को बताया बौखलाहट। शिवहर के बाद अब जहानाबाद में भी आरजेडी का खेल बिगाड़ेंगे तेज प्रताप, कल करेंगे रोड शो। आज बिहार में तीसरे चरण के मतदान थे और हर कोई अपने घर से बाहर निकला अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। इसी क्रम में शहनवाज हुसैन भी अपना मतदान करने के लिए बाहर आए या बूथ गए, लेकिन उनके साथ हुआ यूं कि वो जिस बूथ पर गए वहां का ईवीएम ही खराब था और ईवीएम खराब होने की वजह से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ गया। नहीं तोड़ लिया ना लाइन, एक घंटा लग गया, सुबह से पानी नहीं पिए हैं, लाइन में लगे हैं। पहले हमने तय किया था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। चेहरे देख के भी लग रहा है कि आप पानी तक पहुंचे, सारे लोग का वही हालत है। देखिए आप, ये बताइए आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? एक घंटा से ज्यादा हो गया सर। एक घंटा ज्यादा हो गया, मतदान देरी से शुरू हुआ, ईवीएम खराब था यहाँ पर। पहले वोट गिरा देंगे तब काम करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, महिलाओं ने अपने घर पे खाना तक नहीं बनाया है और यहाँ देरी की वजह से पिछले 2 घंटे से लोग लाइन में खड़े थे। नेताओं को ऐसे लाइन में खड़े रहने की बहुत आदत नहीं होती है, लेकिन मतदान और जो लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें सबको लाइन में लगनी पड़ती है। शहनवाज हुसैन वोट डाल के लौट रहे हैं अपने बूथ से, काफ़ी देर तक ये भी लाइन में खड़े रहे। देखिए ये देश के लिए है, ये लाइन में खड़ा रहना देश को मजबूत करेगा। मेरा वोट देश को ताकत देगा, मेरा वोट देश को समृद्धि देगा, मेरा वोट इस देश को राष्ट्रवाद के मजबूत रास्ते पर चलने का प्रेरणा देगा। और देश में सबको बराबर का अधिकार है वोट डालने का, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति या कोई हो गरीब आदमी, सबके वोट की, एक वोट की ताकत है। और मुझे बहुत खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने शामिल होकर वोट दिया है, ये देश के लिए वोट दिया है, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। तौर पर आप वोट डालने के लिए ही अपने होम टाउन से? स्पेशल मैं गुवाहाटी से आया। अच्छा। मैं पूरे जहां देश में प्रचार में जुटा हूं, तो मेरी जिस दिन इलेक्शन कैंपेनिंग बंद हुई तो मेरी सभा गुवाहाटी में थी, वहां से मैं कलकत्ता आया, फिर बागडोगरा आया, 5 घंटे बागडोगरा से कार से चल के यहाँ पहुंचा। तो ये शहनवाज हुसैन जो कि वोट डालने के लिए यहाँ सुपौल में आए हुए हैं और उन्होंने वोट डाला, काफ़ी लाइन में खड़े रहे, तो यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। और लोग ये सोचते हैं कि लाइन में लगने से और इतनी देर होने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है, सबको वोट डालना चाहिए। और यही संदेश शहनवाज हुसैन की तरफ से भी है और आज तक की तरफ से भी है। अब मतदान है तो हर किसी को मतदान देना है। शरद यादव भी अपने मतदान के लिए निकले, लेकिन उससे पहले ही हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की। इस बातचीत में उनके साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन सबकी नजर आज मधेपुरा पर टिकी है, जहां से कद्दावर नेता शरद यादव इस बार आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। और इस वक्त शरद जी अपना वोट डालने जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ, आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर हैं शरद जी सब परिवार के साथ, आप सुबह से वक्त यहां पे बिता रहे हैं, बैठे हुए हैं, किस तरीके की फीडबैक्स आ रही हैं पोलिंग सेंटर से मतदान को लेकर? देखिए सारे देश में जो बेकार बेरोजगार लोग हैं, किसान मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, इस सरकार से ऊब गए हैं, वही हालत यहाँ है। तो यहाँ भी ये बुरी तरह पराजित होंगे, देश में भी पराजित होंगे,
सारे 5 बरस इन्होंने नॉन इश्यूज़ पर बिताए हैं। एक मुद्दा है इनका हिंदू मुसलमान, और इस देश में गाय के नाम पर और कई नाम पर जो देश के बेहतरीन लोग हैं, गौरी लंकेश है, पंसारे है, गुलबर्गी है, ये सिर्फ जिम मारे गए हैं। तो ये सिर्फ यानी इनका दिमाग जो है, माइंड जो है, वो इकोनॉमिक है ही नहीं। इनका माइंड सिर्फ यानी कम्युनिज्म फैला करके चुनाव जीतना है। यानी इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे हर बरस। किसान को आपके स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें 1.5 गुना दाम देने का है। ये दोनों मिला दो तो भारत बन जाता है। इनके बारे में जो वादे थे उनको वो जुमला बोलते हैं, और दिन भर किस तरह से पोलराइज हो समाज, और जब चुनाव लड़ने आते हैं नीचे तो यहाँ वो जात बिरादरी करते हैं। इसलिए ये पार्टी जो है वो इसको देख लोग पहचान गए हैं, और देश भर में इसकी भारी भारी पराजय हो गई। अपनी जीत को लेकर आप इस बार कितने आश्वस्त थे? पिछले बार आपकी हार हो गई थी पप्पू यादव से, इस बार भी पप्पू यादव आपके सामने हैं, साथ में दिनेश चंद यादव भी हैं, क्या लगता है आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं मानता हूँ कि पूरे देश भर में हारेंगे ये, और यहाँ भी हारेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी दोबारा नहीं बनेंगे? हाँ, ये मेरा 1.5 साल 2 साल से प्रयास है, और मैं सोचता हूँ कि जो सब जगह से खबर आ रही है उसमें ये इस बार इनका जो काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, अब दोबारा वही मुद्दे वही आदत में है इनकी, उसी तरह चला रहे हैं। और प्रज्ञा ठाकुर जो है वो इनका असली चेहरा है जी। ये अंदर से यही है जो प्रज्ञा ठाकुर, वो सच बोल रही है, ये अंदर बैठ के यही काम करते हैं। चलो जी, एक बताइए, इस बार आपने कैंपेन बहुत किया है पिछले कुछ दिनों से, और आपके परिवार वालों का किस तरीके से सपोर्ट मिला? आपके बेटे बेटी, आपके दामाद सब यहाँ पर लगे हुए हैं। सब कार्यकर्ता काम करते हैं, वैसे वो काम कर रहे हैं, हर बार करते हैं हमारे यहाँ। हमारा परिवार जो है वो हमेशा हर चुनाव में आता है। सुभाषिनी जी से बात करते हैं, उनकी लड़की है। सुभाषिनी जी, आप बताइए, आप उनके साथ यहाँ पर काफ़ी दिनों से कैंपेन कर रही हैं, किस तरीके का माहौल है, खासकर युवा किस तरीके से शरद जी को देख रहे हैं? युवा आज के टाइम में बिल्कुल महागठबंधन के साथ खड़ा हुआ है, बहुत परेशान है। युवा ही नहीं, हर वर्ग का आदमी, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, सब बहुत परेशान है। तो वो आज यहाँ महागठबंधन में अपनी होप देखते हैं, और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। खड़े हैं आपके? बिल्कुल खड़े हैं। किस तरीके से लगता है पापा के लिए कैंपेन करती हैं, किस तरीके से वोट मांगती हैं लोगों से? सही बात करते हैं, सही बात बताते हैं उनको, जो यहाँ पे, वैसे तो ये क्षेत्र इतना एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी में, पर यहाँ का आदमी इतना अलर्ट है कि उनको हमसे भी ज़्यादा पता है। तो वो ये कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम सब जानते हैं। तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं, वो सब देखते हैं। अच्छा, राजकमल, आप बताइए, शरद जी के दामाद हैं, आप भी यहाँ पर काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, ससुर जी के लिए कैंपेन करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है शरद जी के लिए। चुनाव प्रचार में हम सारी विधानसभाओं में घूमे हैं, तो यहाँ पर जनता आगे है, जनता चुनाव लड़ रही है शरद जी के लिए। शरद, वो कह रहे हैं शरद जी नहीं, इस बार जनता उनके लिए चुनाव लड़ रही है। और युवाओं के बहुत समस्या है यहाँ पे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो उस चलते युवा बहुत परेशान है, और महागठबंधन के लिए आस लगाए बैठा है कि महागठबंधन आए ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। युवाओं की क्या हालत है? 2 करोड़ नौकरियों की बात होती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें सरकार ने वादा किया था, क्या लगता है युवा संतुष्ट है क्या? युवा संतुष्ट नहीं है, साल में 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, जो बड़ी बड़ी बातें करी गई थी उनके द्वारा, उससे युवाओं को काफ़ी ठेस पहुंची उनके मन को। और जो कि इस सरकार के बड़े बड़े जो उपलब्धियाँ ये गिनाया करते थे, GST और नोटबंदी, जिनके ऊपर ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि ये बहुत इनने बड़ा काम किया है, आज की तारीख में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इनके भाषणों में कहीं पर भी उन दोनों चीज़ों का जिक्र ही नहीं है, ना ही GST का जिक्र है, ना ही नोटबंदी का जिक्र है। तो इससे साफ दिखता है कि लोग परेशान हैं इनसे, और इनकी ये नीतियाँ कामयाब नहीं हुई है। शांतनु से बात करते हैं, शरद जी के सुपुत्र हैं। शांतनु, उत्तराधिकारी भी हैं आप शरद जी के, विरासत के जी कह सकते हैं, पर मैं तो यहाँ कार्यकर्ता के दौर पे आया हूँ, उनके बस कार्यकर्ता से लगा हूँ प्रचार में। समय तो ऐसा भी लग रहा था कि आप ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, पिताजी नहीं लड़ेंगे? वो लोग कहते हैं, कहने दो, पर मैं तो, आपने मेरे पिताजी ने बताया कि कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूँ यहाँ, बस उनके लिए प्रचार कर रहा हूँ, हाथ बटा रहा हूँ उनका। किस तरीके का माहौल देखते हैं पिताजी के लिए यहाँ पर? माहौल तो बहुत अच्छा है इस बार, आप देखना, बहुत अच्छी जीत होगी हमारी, और आप मुझसे नहीं,
मेरे पिताजी से नहीं, या आप जनता के बीच में जाइए, वो आपको बेहतर बताएंगे। क्या रिस्पांस क्या देते हैं जब आप जाते हैं युवा होने के नाते? से रिस्पांस अच्छा मिलता है, जो मेरे पिताजी शरद जी यहाँ के उम्मीदवार हैं उनकी ईमानदारी के तो लोग मिसालें देते हैं, हमें कुछ बोलना ही नहीं पता, हमें हर जगह आशीर्वाद मिलता है, युवाओं का साथ मिलता है शरद जी की ईमानदारी की वजह से। जीत को लेकर आश्वस्त है? जी जी, जरूर जरूर जरूर। आगे 5 साल बाद शांतनु लड़ेंगे मधेपुरा से? नहीं नहीं, ऐसा अभी मेरा कोई विचार नहीं है। राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है? नहीं, अभी कुछ ऐसा विचार नहीं है। आप लोगों का किसी का भी आपका? नहीं, विचार कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं। चलिए, शरद जी के का ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, शरद जी वोट करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, हमसे खास बातचीत कर रहे थे। जाहिर सी बात है, शरद जी का मानना है कि मुख्य मुद्दों से जो है वो ध्यान भटकाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन फिलहाल उनका पूरा परिवार यहाँ पर उनके साथ यहाँ खड़ा है, पिछले कई दिनों से उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है, और परिवार का मानना है कि इस बार शरद जी की यहां से जीत सुनिश्चित है। ये बात तो साफ जाहिर है कि तेज प्रताप यादव और आरजेडी के बीच में कुछ तंगी चल रही है। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार के खिलाफ जाली और जानवर कहा है, और क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। जहानाबाद महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सुरेंद्र यादव बिहार तक के संवाददाता सईद मुशर्रफ इमाम से खास बातचीत की। महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव ने आज अपना नामांकन कर दिया है और भारी संख्या में इनके समर्थक मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका टक्कर किससे है? जब तक हम जान नहीं लें कि नॉमिनेशन कौन कौन पार्टी डाला, कौन कौन उम्मीदवार प्रत्याशी डाला जी, तो अपने मन से किसको प्रत्याशी बना दें। आज हम एक नंबर में जाके डाले हैं पर्चा जी, जी। जो हमको मालूम हुआ जी। नंबर को मैं नहीं बैठा रहा था तो हमको पता चला कि हम एक नंबर में पर्चा अपना दाखिल किए हैं, जबकि अपना समय निर्धारित से हम गए और समय निर्धारित से चले आए, और ना आचार संहिता किसी तरह का वायलेंस हुआ है जी, जी। जो तरीका है, नॉर्म्स है कानून के दायरे में, इलेक्शन कमीशन का, उसी दायरे में हम अपना पर्चा दाखिल किए हैं जी। पर अभी तक हम और उम्मीदवार के नहीं देखेंगे और कौन कौन, लेकिन फिर भी एक है कि हाँ भाई कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं, ये तो जानकारी है आपको किससे हमारा टक्कर? नहीं, हम तो वहाँ पर मात्र एक अरुण कुमार जी को देखे थे जी, कि पर्चा वो दाखिल करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे, जो बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, और कॉल हुआ तो हम कॉल के अनुसार अपना पर्चा दाखिल किए, फिर अरुण बाबू गए वहाँ पर। पर अभी कई कौन कौन देता है सचमुच जानकारी नहीं। फिर भी आप किसको अपने टक्कर में ले रहे हैं? जैसे अभी यहाँ पर है जहानाबाद में जेडीयू का सीट है जो एनडीए से, उसके प्रकाश चंद्रवंशी जो हैं वो उसके उम्मीदवार हैं। अब जब तक कि प्रकाश चंद्रवंशी जो है वो जब तक नॉमिनेशन नहीं दाखिल कर लेते हैं, चूँकि पलटू राम को उम्मीदवार है जी, तो कखनी पलट जाएंगे उम्मीदवार को, पलटी मार देंगे जी। सुरेंद्र यादव बता सकता है, लालू यादव थोड़ी है, तेजस्वी बाबू थोड़ी है, सन नॉर्मला सारी जी थोड़ी हैं, या हम पार्टी के जीतनराम मांझी थोड़ी हैं, कांग्रेस के थोड़ी हैं, ये हम लोग जानते हैं कि हमने पलटी मारा मारने वाला इंसान नहीं है। पर पलटू राम कखनी पलटी मार देगा, कुछ जानता है? अच्छा, यहाँ आपके टक्कर में तेज प्रताप जी ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है चंद्र प्रकाश को, तो क्या आपका उनसे भी मुकाबला होगा? आपको कहीं ना कहीं उससे भी प्रॉब्लम आ रही होगी? तेज प्रताप हमारे नेता और लीडर हैं, और मैं उनको अपना लीडर और नेता मानता हूँ, और राष्ट्रीय जनता दल के मैं सच्चा सिपाही हूँ, और उस सिपाही के हैसियत से मैं उनको सम्मान देता हूँ। विदाउट टिकट मैं नहीं चलता हूँ, ललटेन का टिकट मेरे पास है, जो आज पर्चा दाखिल कर चुके हैं सिंबुल के साथ। विदाउट टिकट मजिस्ट्रेट चेकिंग होगा, ढेर लोग पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा आप लोग खुद ही जानते हैं। क्या लगता है कि तेज प्रताप जी को पार्टी से कोई कार्रवाई भी हो सकती है? क्यों कार्रवाई होगा? नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि टिकट, हम टिकट लेके चलते हैं, तेज प्रताप नहीं ना चुनाव लड़ने आ रहा है, उनके उम्मीदवार हैं वो रोड शो करने के लिए। अब तो मेरा बेटा मेरा भाई बन जाए बाकी, और ये कहे कि हमको तेज प्रताप जी आशीर्वाद दे दिए हैं, तो नाम तो बाजार में बहुत लोग बेचते हैं। तेज प्रताप उसको टिकट दिया है? टिकट तो नहीं दिया है, टिकट तो तेज प्रताप हमको दिया है, लालू प्रसाद जी हमको दिए हैं, तेजस्वी हमको दिए हैं, राजमाता राबड़ी देवी हमको दिए हैं, तो जाली प्रत्याशी कहाँ से आ गया भाई? ए जाली चलेगा? लेकिन तेज प्रताप आएंगे उनके नॉमिनेशन में, एक दिन आ भी चुके हैं, शो कर चुके हैं।
चुके हैं तो क्या लगता है आपको थोड़ा बहुत? जब आवेंगे तो हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, उसी समय हम अपनी बात को रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मतों का बात किया जाए तो मुस्लिम समुदाय का भी है, तो कुछ लोग जदयू को भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट, क्या लगता है आपको कि मुसलमानों का वोट कहाँ जाएगा? लंटैन में जाएगा, लालू जी में जाएगा या फिर नीतीश में? नीतीश कुमार तो डायरेक्ट बीजेपी है ना जी, यही जो मुस्लिम हैं पूरे बिहार के, सारा मुस्लिम जो है, जब हम लोग गठबंधन बनाए थे तो गठबंधन में हमारा जो लीडर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी हैं और जो गठबंधन के लीडर हैं तो उसमें नीतीश कुमार भी थे, तो रातों रात पलटी मार दी है और चले गए भाजपा में। और वही नीतीश कुमार बोला था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में दफन हो जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि भाजपा के साथ वो चल गया तो मुसलमान उसके साथ जाएगा भाजपा में? ऐसा नहीं होगा। माना जा रहा है कि जहानाबाद में त्रिकोणीय चुनाव होने की उम्मीद है। एक तरफ जहां सांसद अरुण कुमार हैं, तो एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं। जहानाबाद लोकसभा सीट इसलिए भी फेमस हो गई है क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी से बगावत कर इन्होंने अपना यहां उम्मीदवार उतारा है। वहीं तेज प्रताप के उम्मीदवार को आरजेडी नेता ने जानवर और जाली तक कह डाला। बाकी किसका नाम लिया? बाकी उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश जो है आपके पार्टी 21 जानवर को नाम है। आपकी लड़ाई किससे है? अरुण कुमार से, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से या किससे आपकी लड़ाई है? जानवर का नाम ले रहे हैं, अच्छा लगता है। अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जहानाबाद लोकसभा सीट कौन जीतता है और कौन हारता है। जहानाबाद से सईद मुशर्रफ इमाम, बिहार का। लोकसभा चुनावों में पाकिस्तान का नाम जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अभी हाल ही का मामला है, नित्यानंद राय एक सभा में मौजूद थे हाजीपुर में, उनके साथ वहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी थे। वहां पर नित्यानंद राय ने विरोधियों को कहा है कि वो पाकिस्तान चले जाएं। अगर सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी के सर्वोच्च पर विश्वास नहीं है, कौन होता है राहुल गांधी जी? आप आते जाते भी रहते हैं, छुप छुप कर मिलते भी रहते हैं इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान से, चले जाए अपने सारे महागठबंधन के सहयोगियों के साथ। राजनीतिक विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाले गिरिराज सिंह और साध्वी प्रज्ञा जैसे बीजेपी नेताओं की श्रेणी में एक और नाम जुड़ गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एक चुनावी सभा में कहा कि जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर शक है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उजियारपुर में अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान नित्यानंद राय ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। सेना गई तो आतंकवादी को मारा कि पेड़ गाज गिरा, बहनों उसका जवाब हिंदुस्तानियों को बनना है, बिहारियों को बनना है, उजियारपुर के लोगों को बनना है जवाब। हम सब इस चुनाव में दे देंगे, उजियारपुर के लोगों से भी आग्रह करेंगे, 29 अप्रैल को आप ताल ठोक कर जवाब दीजिए, हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि नहीं, दुनिया में नहीं चले। सवाल करने लगे सेना से सर्वोच्च चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री से सबूत चाहिए, सेना सबूत दे दी, प्रधानमंत्री जी सबूत दे दी, फिर भी करें कितने मारे? अगर सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी के सबूत पर विश्वास नहीं है, कौन होता है राहुल गांधी जी? आप आते जाते भी रहते हैं, छुप छुप कर मिलते भी रहते हैं इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान से, चले जाइए अपने सारे महागठबंधन के सहयोगियों के साथ, पाकिस्तान जाकर वहां आतंकवादियों के कब्र परीक्षाओं का फूल माला जाकर चढ़ाइए, आतंकवादियों के कब्र को गिन लीजिए, सबूत मिल जाएगा कि हिंदुस्तान की सेना ने कितने आतंकवादियों को मारा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। इस बयान से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाले चुनावी परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, एनडीए में बीजेपी हो या कोई और, पार्टी विकास के नाम पर वोट कम, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट ज्यादा मांगते हैं। ये तो आप जनता को फैसला करना होगा कि किस आधार पर वोट देना है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय जब विवादित बयान दे रहे थे तो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे।
हाजीपुर से संदीप आनंद बिहार तक। पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, आपने देखा भी होगा और उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी चुपचाप रहने वाला है, लेकिन अब वो बोल रही हैं और बोल रही हैं किसके खिलाफ? पीएम मोदी के खिलाफ। पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सासाराम में लोकसभा की पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीरा कुमार ने राजनीति में बयानबाजी के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सासाराम में पीएम मोदी पर सीधा हमला किया और कहा कि आजाद हिंदुस्तान में खुले मन से असत्य भाषण देने वाले ऐसे प्रधानमंत्री को उन्होंने कभी नहीं देखा। यहाँ की जनता को और यहाँ के मतदाताओं को अपने क्षेत्र के ये स्पष्ट हो जाएगा कि जितने भी दल हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और प्रेस की स्वाधीनता में विश्वास करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, वो विचारधारा को हम किस तरह यहाँ पर पूरी तरह से पुनः स्थापित करें, उसके लिए राजद जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी हमारे साथ है, हमारे साथ रालोसपा है, हमारे साथ हम है, हमारे साथ वीआईपी पार्टी है और महागठबंधन में औपचारिक रूप से ना है लेकिन जितनी लेफ्ट पार्टीज हैं वो भी हमारा समर्थन कर रही हैं। इतनी सारी पार्टियों का समर्थन है, आज उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और ये एक शुभ संकेत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम चुनाव भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, ये शुभ संकेत इसलिए भी है कि यहाँ के काम होंगे, यहाँ विकास के काम होंगे, यहाँ के लोगों की जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं वो दूर की जाएंगी, तो यहाँ पर एक नया अध्याय शुरू होगा। ये कई चरण का चुनाव बीत गया है और राजनीतिक में जो बयानबाजी का स्तर है वो काफी निचले स्तर पर पहुँच गया है, क्या ये पहले होता था? क्या पहले कभी नहीं होता था? मैं देख रही हूँ जब से भाजपा आई है, एनडीए आई है और जब से ये नए प्रधानमंत्री आए हैं, हमने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना असत्य भाषण करते हुए नहीं देखा है। कभी भी किसी प्रधानमंत्री को मंच से सार्वजनिक रूप से असत्य भाषण करते नहीं देखा है, वो अब हम देख रहे हैं, दुख होता है। तो सुझाव देंगे कि आप वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, सुझाव देंगे कि राजनीति में जो बयान का स्तर गिर रहा है? हाँ, उसके तो हम लोग तो इस राजनीति का जो स्तर है उसको लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि सासाराम में इस बार मीरा कुमार चुनावी मैदान में हैं। सासाराम से छेदी पासवान यहां से 3 बार और मीरा कुमार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। मीरा कुमार ने दोनों बार 2009 और 2004 में बीजेपी के मुन्नी लाल को हराकर जीत हासिल की थी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 में बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे छेदी पासवान ने मीरा कुमार को 63,000 वोटों से हरा दिया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मीरा कुमार क्या कमाल करती हैं, सासाराम की जनता किसके पक्ष में जाती है। सासाराम से मनोज सिंह बिहार तक। फिलहाल के लिए बिहार तक के विशेष बुलेटिन बिहार आज तक में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ। बिहार तक को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें।